સેલવાસ ખાતેના લેન્ડમાર્કમાં વાઇફાઈ એકેડેમીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. સેલવાસ ખાતે આવેલ લેન્ડમાર્ક ખાતે વાઇફાઈ એકેડેમીમાં આઈઆઈટી, જેઈઈડબલ્યુના તથા એનઆઈટી તેમજ ઓલિમ્પિયાડનું કોચિંગ આપવામાં આવશે. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા ફતેહસિંહ ચૌહાણના હસ્તે આ એકેડેમીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. देखिए, सबसे पहले वाईफाई एकेडमी जो दक्षिण गुजरात के वलसाड़ ज़िले से स्टार्ट हुई और जिसने फर्स्ट ईयर के अंदर ही 47% अपना रिज़ल्ट दिया. हमने दूसरे साल इस बार जो रिज़ल्ट दिया है दैट इज़ ऑल्सो 48% के आसपास है और हमारे 27 बच्चे JEE मेंस में अच्छे नंबर से पास हुए. नीट जो मेडिकल के लिए जाना जाता है उसमें भी बहुत अच्छे रैंक से आ रहे हैं. हमारे वाईफाई में से ओलंपियाड के लिए बच्चे क्वालिफाई कर गए और मैक्स वगैरह को नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है. और चार ब्रांचेस में हम इस समय चल रहे थे, वलसाड़, वापीचाला, गुंजन और दमन. और सलवासा के हमारे आत्मीय जनों ने, मित्रों ने एक कहा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है. तो वाईफाई के जो निष्णांत IITN और NITN की टीम है, अगर वलसाड़ से सलवासा में सेंटर देते हैं आप, तो रिजल्ट्स सलवासा में अच्छे आ सकते हैं, यहाँ संभावनाएँ हैं. होता यह है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आ जाने से या इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ जाने से अगर यहाँ के बच्चे वो क्वालिफाई नहीं करते हैं नेशनल लेवल पे, तो क्वालिफाई नहीं करने से उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा. और हर चीज़ में हमें हमेशा ये दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि हर चीज़ प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही की जाती है, नॉट नेसेसरी. शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र वलसाड़ में पिछले 20 साल से काम कर रहा है और वाईफाई एकेडमी संस्कार केंद्र की एक प्रेरणा स्रोत है. मतलब हमारी तरफ से उसको सपोर्ट भी मिलता है संस्कार केंद्र से. तो वाईफाई एकेडमी अपने पूरी एक्सपर्ट टीम के साथ सलवासे में आई है. अब जब यहाँ पे कई रीजनल क्लासेस और भी चल रहे हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वाईफाई एकेडमी उनसे अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि दिन ब दिन जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो बड़े कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं और ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स को हर साल जो चीज़ बदलती है उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है. अब इस चीज़ को साइंटिफिकली, मेथोडोलॉजिकली, कंसेप्चुअल तरीके से समझना, ये जो IITN होते हैं वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं और हर साल जो चेंजेस हैं वो हर साल की चेंजेस बच्चों को पढ़ा करके तैयार करते हैं. अगर हर साल की तैयारी हम नहीं करते हैं तो पिछड़ के स्कोर उतना नहीं आ पाता, पासिंग मार्क्स वगैरह होते हैं. और आजकल आप जानते हो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ऑल इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वो तैयारी करवाना कॉम्पिटिशन से, वो कॉम्पिटिशन करवाना और उनके लिए बच्चों को तैयार करना, आपको डेडिकेटेड फैकल्टी, डेडिकेटेड पूरे सेटअप की ज़रूरत होती है. और वाईफाई एकेडमी अपने अनुभव से पूरी तरह से उसमें अपने आप को झोंक दिया है और मुझे उम्मीद है कि हम पहले साल के अंदर ही सलवासा को एक बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे. और अच्छे स्कूल्स के साथ हम सहयोग कर रहे हैं. आपने देखा इस कार्यक्रम में फतेह सिंह जी, बापू साहेब आए और काफ़ी यहाँ के जाने माने लोग वाईफाई को आशीर्वाद स्वरूप अपने शुभचिंत दे रहे हैं. वेरी गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अंकित पाटीदार, एकेडमिक हेड और वाईफाई एकेडमी. मैं यहाँ पे सारे एकेडमिक्स रिलेटेड काम देखता हूँ, लाइक फैकल्टी अपॉइंटमेंट एंड एवरीथिंग. हम लोग यहाँ पे 2015 दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था इन साउथ गुजरात. हमारा रीज़न यहाँ पे आने का मेन ये था कि जो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. मेनी कोचिंग्स आर प्रॉमिसिंग दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस एंड एडवांस, बट दे डू नॉट हैव इवन फैकल्टीज वो बिलोंग्स फ्रॉम IITs और NITs. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग खुद IIT JEE क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं IIT JEE के लिए. तो हम उस कंसेप्ट के साथ आएँ, जो फैसिलिटीज़ कोटा में प्रेजेंट है आज की डेट में, वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे साउथ गुजरात में प्रोवाइड करवा रहे हैं. वी आर हैविंग मेनी प्रोज ओवर दी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओवर हियर. लाइक वी आर हैविंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस विच विल बी वेरी नेसेसरी फॉर नाउ. बच्चे आते हैं, वो क्लासेस आए या नहीं आए, कहीं बाहर घूम रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स तक टाइम टू टाइम और टाइमली बहुत अच्छे से पहुंचना चाहिए. सेकेंडली, हमारे सारे सेंटर CCTV सर्विलेंस में होते हैं, पेरेंट्स और हम लोग कभी भी देख सकते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है. नेक्स्ट थिंग, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आवर टेस्टिंग पैटर्न. हम लोगों ने हमारे टेस्टिंग पैटर्न को चार तरीके से क्लासीफाई किया है, टेट, मैट,
QCAT एंड MCAT दैट इज टॉपिक वाइज असेसमेंट टेस्ट हर वीक के एंड पे करते हैं हम. उसके बाद हर मंथ के एंड पे जितना सिलेबस खत्म हुआ है उसका मंथली कम्युलेटिव असेसमेंट टेस्ट करते हैं. एंड लास्टली क्वार्टर हर तीन महीने में जितना सिलेबस कम्प्लीट हुआ है उसके बेसिस पे JEE मेन्स, JEE एडवांस, नीट एंड एम्स के पैटर्न पे हम क्वार्टरली कम्युलेटिव असेसमेंट टेस्ट करवाते हैं. ये जो सारे टेस्ट हैं हमारे दोनों मोड पे होते हैं, दैट इज ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड. आज बड़ी खुशी की बात है कि सिलवासा शहर के अंदर वाईफाई एकेडमी की शुरुआत हो रही है. मैं समझता हूँ आने वाले दिन में जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ रही है, दमन में इंजीनियरिंग कॉलेज भी आई है, तो नीट से लेकर सभी जितने भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए हमारे बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूशन आशीर्वाद पुरवार होगी. प्रदेश में आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट स्कूलें हैं, बच्चे बड़े प्रभावशाली होते हैं लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ज़्यादा विकास नहीं कर सकते. तो मैं आज के दिन वाईफाई एकेडमी की मैनेजमेंट को और सभी भाइयों को शुभकामना देता हूँ और अंतर से अपेक्षा करता हूँ आने वाले दिनों में. देखिए, दो साल पहले जब हमने वाईफाई एकेडमी शुरू की जिसका फुल नाम है वर्ल्ड ऑफ IITians फॉर यू, हमारे सब सब्जेक्ट के हेड्स IITian हैं और सब फैकल्टी IIT या तो NIT है. दूसरी जगह पे इतनी अच्छी फैकल्टीज़ नहीं है जो IIT या NIT के लिए एडमिशन दिलाने में कॉम्पिटेंट हो. यहाँ पे दमन में और सिलवास में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आ रही है. आपको मालूम होगा कि मेडिकल के लिए नीट की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है और इंजीनियरिंग के लिए JEE की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है. वो क्लियर किए बिना आपको एडमिशन नहीं मिल सकता NIT या तो IIT. और यहाँ सिलवास और दमन दोनों में NIT के लिए रिजर्व सीट है लेकिन वो भी भरी नहीं जाती क्योंकि इतने JEE एग्ज़ाम क्लियर करने वाले बच्चे नहीं. अभी एक साल के बाद जब भी मेडिकल कॉलेज आएगी जिसकी टोटल सीट्स मेरे हिसाब से 100 सीट होगी, जिसमें शायद 50 सीट सिलवास के लिए और 50 सीट दमन के लिए होगी, लेकिन 100 बच्चे दमन और सिलवास में नीट क्लियर करने वाले अभी तो है नहीं. तो उसके लिए यहाँ पे क्लासेस शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नीट क्लियर करके यहाँ पे मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन मिले, ये हमारा है.